वेलकम टू द जंगल अगेन वंस मोर टाइम। चलो, वो कुछ दिन का टाइम था तो मैंने वहाँ सामान रख दिया। अब मेरा जो जहाँ सामान था, जहाँ मैं ऑलरेडी 10,000 पे कर रहा था, वो सामान भी गया और वो सामान भी चला गया। चलो, एक महीना मुझे 20-25 दिन वहाँ रहा मैं, लेकिन सामान भी गया और अब वो घर भी गया। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा। मैंने कहा ना, एक सेंटेंस में हमेशा याद रखता हूँ, मेरे बड़े गुरु ने कहा था, उनका नाम था रजनीश ओशो, उन्होंने कहा था दिस टू विल पास्ट। विवेकानंद जी ने भी कहा था दिस टू विल पास्ट। ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो हर वक्त काम आता है। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आज मैं बताऊंगा कि वाकई में हकीकत क्या थी, क्या बोला सूरज पांचोली ने, खुद कैसे अपने मुंह से बोला कि वो 13 जून को कहा था। बताऊंगा इस वीडियो में, बताऊंगा आपको, बताऊंगा। जंगल भी देख लिया करो, मुझे भी देख लिया करो, मेरी हालत भी देख लिया करो, आपको थोड़ी खुशी महसूस होगी। एटलीस्ट कोई तो सुशांत के बाद और एक आपको न्यूज़ दे रहा है ना, उसका भी शायद कुछ हो जाएगा तो उसकी भी न्यूज़ मिलेगी आपको। आपको तो एंटरटेनमेंट से मतलब है, इंसान तो जिंदा भी होते रहते और जाते भी रहते दुनिया से। इंसानियत नहीं है लेकिन एंटरटेनमेंट रहना चाहिए, इंसानियत हो ना हो एंटरटेनमेंट होना चाहिए। कोई बात नहीं, बताऊंगा। 13 जून को ये हुआ, 14 जून को 2 बजे दुनिया भर के सारे लोगों को पता चला, एक फ़ोटोज़ वायरल हुई थी। उसके बाद 14 जून को अचानक शाम को 8 से 9 बजे के आसपास एक पोस्ट वायरल होना चालू होती है। 15 जून को वो पोस्ट डिलीट होती है, उसमें से एक नाम डिडक्ट होता है और एक दूसरी पोस्ट वायरल होनी चालू होती है। मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के बाप को नहीं पता है, सिर्फ बिहार के कुछ लोगों को पता है, वो पुलिस वाले और CBI को पता है। यहाँ तक कि सुशांत की फैमिली को भी पता है कि नहीं पता नहीं। वो दोपहर में दूसरी पोस्ट आती है, वो 14 रात वाले डिलीट हो जाती है, 15 को दोपहर में आ जाती है पोस्ट फिरनल के पहले, और फिर चालू हो जाता है पोस्ट वायरल होना। 16-17 तारीख तक बहुत भयानक पोस्ट वायरल हो जाती है। 16 तारीख को सुशांत का टॉपिक नेशनल मीडिया से चला जाता है, न्यूज़ चालू हो जाती है, धर 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 धर, एकदम अचानक नारायण राणे सामने आते कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है और इसमें सूरज पांचोली वहाँ थे। ये नारायण राणे का स्टेटमेंट है, नारायण राणे बोल रहे कि ऐसा ऐसा है। इसके बाद आज तक और NDTV कॉन्टैक्ट करते हैं सूरज पांचोली से, सूरज पांचोली को बोलते हैं, सूरज पांचोली खुद सामने आए। मैं कोशिश करूँगा, मैं जंगल में हूँ, लेकिन एक है मेरे फ्रेंड जो एडिट करके देते हैं, मैं उनको वीडियो भेजता हूँ गूगल ड्राइव पे, फिर वो शायद एडिट करके मुझे वापस गूगल ड्राइव पे भेजते हैं। अगर वो हुआ तो मैं अपलोड करूँगा यहाँ वीडियो डालने का कि क्या बोला था सूरज पांचोली। सूरज पांचोली ने जब यहाँ बोला कि नहीं, हमने क्या है पूरा नाम, इनमें जो नाम आए 13 जून को आप गए थे कि दिशा की पार्टी में सूरज पांचोली अवेलेबल थे, दिशा को सूरज ने प्रेग्नेंट किया, फिर उसके बाद दिशा का मर्डर हुआ, फिर उसके बाद सुशांत का मर्डर हुआ, दोनों जगह सूरज अवेलेबल था, ये जो पोस्ट हुई थी इसके बारे में नारायण राणे ने सीधा सीधा बोला। अब नारायण राणे ने बोलने के बाद आज तक में और NDTV वालों ने कॉन्टैक्ट किया सूरज पांचोली को। सूरज पांचोली ने बताया कि इस वीडियो में चलाऊंगा, सुन लो क्या बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं पहली बात जो नारायण राणे ने बोला कि सूरज पांचोली से पूछा जाए कि 13 जून को उनकी पार्टी में कौन कौन था। आप बोल रहे हैं आपकी कोई पार्टी हुई ही नहीं 13 जून। सबसे पहली बात, मेरी कोई पार्टी ही नहीं हुई, ना मैं किसी की पार्टी में गया, मैं घर पे था। ओके, और उनसे ये बात पूछना चाहिए कि आपको सर ये बात किसने बताया है? ना कभी कोई पार्टी थी, ना मैं कभी वहां पे गया, ना मैं दिशा को जानता था, ना मेरा इससे कुछ लेना देना, ना मेरी उस दिशा के साथ कोई फोटो है, ना ही मैंने उसको कभी फोन किया था। दैट्स व्हाई दे कांट प्रूव, और किसी को मुझे फंसा भी नहीं सकते। देखो, ये जितने भी बड़े लोग मेरा नाम ले रहे हैं, आई चैलेंज देम टुडे टू प्रूव इट एंड शो दैट आई हैड एनी कनेक्शन विद दिशा और हर फैमिली। आई डोंट हैव अ नंबर, आई नेवर हैड अ नंबर, nor has she ever contacted me, nor have I ever contacted her, nor have I ever met her in any place. Now they have taken my friend Sonakshi Raj's photo. Okay, I have a photo with Sonakshi, who's my friend. They have made that photo into Suraj and Disha Salian photo. Meri kabhi na Disha se interaction hui hai, na kabhi baat hui hai, na kabhi mulaqat hui hai, ना कभी कोई कनेक्शन बना है, ना मेरी दिशा से, ना उनकी फैमिली से, ना उनके कभी कोई रिलेटिव्स। मैं जानता ही नहीं हूं या जानता ही नहीं था
कि दिशा सयान कॉन्फ्रेंस में नारायण राणे जी डीनो मॉरियोज नेम केम अप एंड आदित्य ठाकरे'स नेम केम अप what sort of relationship do you have with Aditya Thackeray and Dino Maurya? Dino is a friend of mine who I meet at the gym sometimes. Mm-hmm. It's been a long time since I've met him. Aditya Thackeray sir, I have no connection. I've never interacted with him. Suna aap logon ne. Ab Suraj Pancholi samne aaya. Isme Aditya Thackeray ka bhi naam Suraj Pancholi ne liya. इसमें यह भी कहा कि मैं उस पार्टी में मैं दिशा को जानता ही नहीं। बात यहाँ पे है कि एक स्टेटमेंट जिसमें इस इंटरव्यू में जो फोटो जो सूरज पांचोली कह रहे हैं कि जो फोटो दिशा का बता के उनके साथ वायरल किया जा रहा है वो सोनाली राजस उनकी कोई फ्रेंड है इसका बताया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद वो बोलते हैं कि दिशा को मैंने बात ही नहीं की, ना उनके फैमिली से बात की, ना दिशा को मैं जानता ही नहीं था। क्लियर कट बता रहे, सुशांत को मैं जानता था, एक दो बार मिला हो, ठीक है, वो तो फोटोज भी है दुनिया में। पर अब इसमें दिशा की बात करते हैं, वो फोटो जो हुआ है वो बोल रहा है कि वो सोनाली राजस का है, एग्री। पुलिस कंप्लेंट एक जो है मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे डालने का, पुलिस में जो लिखा है मुंबई पुलिस केस में उसमें जो कंप्लेंट में लिखा है कि ये फोटो किसका है तो वहाँ किसी और का नाम है। मैं कोशिश करूंगा यहाँ अगर वो रिपोर्ट मुझे मिल गई तो वो उसमें सूरज पांचोली किसी और का नाम लिखा। वो लड़की दिशा सालियान है या नहीं है ये मैं भी नहीं जानता, फैक्ट है, लेकिन मीडिया के सामने उसका नाम सोनाली राजस और पुलिस एफआईआर में उसका नाम कुछ और, ये क्यों? फिर अगर सच है तो फिर एक ही होना चाहिए। दूसरी बात, ये लोग क्यों आ गए? आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया उसके ही कुछ दिन बाद कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। यहां तक कि सूरज पांचोली ये बोल रहे कि ये पोस्ट वायरल किया गया पुनीत वशिष्ठ के द्वारा, जो मेरे साथ भी थे चैनल पे एक डेढ़ साल पहले, उसके बाद मैंने देखा कि वो जाने तो छोड़ो, लेकिन वो पोस्ट वायरल किया गया वहाँ पे। पुनीत को जब मैंने इस बारे में डिटेल पूछा तो वो हकीकत कुछ और ही है, जो अब मैं यहाँ पे क्या बताऊँ, मैं नहीं फंसना चाहता ना, मेरे पास लॉयर के पैसे होते तो मैं ज़रूर बोलता यहाँ पे चक्कर क्या है ये पूरा डिटेल, लेकिन मैं इतना टोटली बीच में यही बोलना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत कंप्लीटली केस ऑफ मर्डर नॉट सुसाइड, ये तो क्लियर है। अब दूसरी बात, नाम मैं नहीं ले सकता भाई साहब, यार क्लियर तो नाम मैं नहीं लूँगा। बात सूरज पांचोली ही करते, सूरज पांचोली इसमें यह भी बोल रहे कि हाँ जो एक वायरल किया गया था 2017 में चीज़ हुई थी कि भाई सुशांत और सूरज का झगड़ा हुआ, कुछ बॉटल फोड़ी किसी ने किसी के सर पे, इसमें सलमान खान बीच में आए और इस वजह से सलमान खान का और सुशांत का झगड़ा हुआ, इस बारे में सूरज पांचोली ने क्या बोला सुनो। आपका और उसका किसी पार्टी में, सुशांत का और आपका किसी पार्टी में झगड़ा हुआ, सलमान भी उनसे खफा थे, इसकी वजह से उनका करियर भी डाउनहिल गया और आप जो है उनसे बहुत ज्यादा नाराज थे और आपकी बिल्कुल आपस में बनती नहीं थी। मुझे 2017 में एक आर्टिकल दिया था, एक ब्लाइंड आइटम आर्टिकल आया था मेरे और सुशांत के बारे में, तो मैंने उसका क्लेरिफिकेशन तब दिया था दैट देयर इज नथिंग बिटवीन सुशांत एंड मी, मैं और सुशांत एक दूसरे को भाई बुलाते हैं, मतलब वी कॉल ईच अदर ब्रदर। सुना, अब इस बारे में मैं अपनी राय ये दे सकता हूँ कि ये जो हुआ था मैटर, हुआ था नहीं हुआ था क्या मैटर है ये पूरा, ये जो छोटे छोटे झगड़े हैं इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं कि नहीं होते, होते हमारे बीच में भी होते हैं, कोरियोग्राफर में भी होते हैं, सिंगर में भी होते हैं, डांसर में भी होते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट में भी होते हैं, प्रोड्यूसर में भी होते हैं, भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी जोड़ियां हैं इंडस्ट्री में, डेविड धवन गोविंदा, झगड़े नहीं हुए लेकिन क्लैश तो होता है, इतनी बड़ी साजिद नाडियाड वाला सलमान खान, झगड़े नहीं हुए लेकिन कभी कभी दिवाली में अलग हो गए ना, ये जोड़ी राजकुमार संतोषी सनी देओल, इतनी खतरनाक जोड़ी, घातक घायल पता नहीं क्या क्या बनाया दामिनी, तो सब पर ब्लॉकबस्टर फिल्में, फिर भी तो ये होता है, झगड़े नहीं लेकिन आपसी दूरियां होती है और ये सब होता रहता है इंडस्ट्री में, इसका लेकिन झगड़े से सलमान खान कितने अफेक्ट हुए ये डिपेंड करता है, वो झगड़ा हुआ नहीं हुआ या फिर उससे ही सलमान खान अफेक्ट, क्योंकि सलमान खान अगर अफेक्ट हो गए तो फिर समझ जाओ क्या होने वाला है, क्योंकि सलमान खान नहीं छोड़ता किसी को, मतलब अगर उससे किसी से प्यार करे तो उसको वो पता नहीं वो क्या जमीन के अंदर पाताल में भी होगा तो उसको वो कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, ये हमने देखा है, बहुत लोग हैं ऐसे इंडस्ट्री में, बहुत लोग हैं सिंगर आर्टिस्ट कैटरीना कैफ नाम ले लो, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनको उठा के
स्टार बना देता है सलमान पहले सुशांत के जाने के पहले की बात है, और बाद में अगर वो नहीं चाहे तो फिर लोग देखे कितने लोग कीचड़ में पड़े हुए, कुछ नहीं हो सकता उनका। तो ये बात सच है। अब रही बात सूरज पांचोली की, आदित्य ठाकरे का नाम भी सूरज पांचोली ने लिया, बताया कि मैं उनको जानता ही नहीं, मतलब पर्सनली मीटिंग नहीं है। दिशा सालियान को जानते नहीं, सुशांत को जानते हो, दो चार बार मिले और बस इतना ही रिश्ता है। अब यहाँ पे ये भी पूछा गया कि क्या वो डिप्रेशन में थे सुशांत, उन्होंने, अब ये क्वेश्चन मेरे को पता नहीं, समझ में नहीं आता कि वो पूछा, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने पूछा है तो सूरज ने बोला कि नहीं मैं तो जानता ही नहीं था। कोई भी इंसान ऐसा ही जवाब देगा, वो बोलेगा डिप्रेशन में है तो पब्लिक गालियां देगी, तो पब्लिक से बचने के लिए भी कई बार लोग देते हैं स्टेटमेंट। लेकिन आपको इस बारे में क्या लगता है, क्या ये इंटरव्यू देने की ज़रूरत थी? अगर नहीं थी तो फिर क्यों दिया, और अगर दिया तो इसमें मैं कुछ बोलूँगा नहीं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जो मैंने नाम लिए वो कौन से नाम है वो भी आपको पता है। अगर उसका वीडियो देखना है तो मेरी मेंबरशिप में ज्वाइन कर लो, उसमें पूरे क्लियर कट नाम भी है, मेंबरशिप ज्वाइन करके देख लो वीडियो, उसमें भी नाम है। और आपको इस बारे में क्या लगता है ये मुझे thankyousushant@gmail.com पे मेल ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही आपको जंगल में मुझे देखते रहिएगा, क्योंकि आप खुश हो रहे हो ना जंगल में मुझे देख के। सुशांत को इंसाफ तो मिलने से रहा, वो तो मुझे भी मालूम है आपको भी पता है, 304 का केस लगने वाला है, लेकिन इस बीच में जो जिंदा इंसान है उसकी अगर कोई कदर नहीं है तो ये बात हमेशा याद रखना, दिस टू विल पास्ट बट आफ्टर पास्ट आई विल चेंज।